श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर और वर्तमान समय तक केवल और केवल झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? भाजपा का बी टीम है बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आरजीडी लेटर निकाल रहे हैं, भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर। अरे तो ये उनके कहने से भाजपा चलती है। गिरिराज सिंह को लेकर के जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल बोले हैं कि बड़ी टिक्की वाले जो इतना बोलते हैं, अगर दम होता तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़के दिखाती, जीरो पे आउट हो जाती। देखिए कभी कभी किसी भावनाओं से कोई मंच से कुछ ऐसा भी गीत कोई गा देते हैं जो सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी आदमी को दिल को इतना चूम जाता है कि वो मिनट भर तक ताली बजाते रह जाता है। तो ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव है कि किन गीतों को वो पसंद करते हैं। चीनी और दूध का मिश्रण होता है, उस तरह का घोल जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एनडीए में अभी हम लोग साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और 2025 का बेहतर चुनाव होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है जिस प्रकार से मोदी को अयोध्या में हराया है, ठीक उसी प्रकार से गुजरात में भी हराएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। क्या कहेंगे? राहुल जी कह रहे हैं कि जिस तरह अयोध्या में हराया वैसे गुजरात में भी हराएंगे। वो तो कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठा होता है, हिंदू घृणा पैदा करता है। तो वो गुजरात में भी हिंदू है ना, तो उनके वोट का तो उसको आवश्यकता नहीं है, तो किस वोट के आधार पर कहते हैं हमारा देंगे? चूंकि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठा होता है, हिंदू सारे दुर्गुण से भरा हुआ है, तो आखिर वो वोट मांगने फिर उसके पास कैसे जाएंगे? वो सदन में भी उल्टा सीधा इस तरह से बोलते हैं, झूठ बोलकर श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर और वर्तमान समय तक केवल और केवल झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? आरजेडी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसे प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर के नहीं, अभी तो पार्टी बनी भी नहीं है, कह रहे हैं कि बहुत सारे आरजेडी के जो कार्यकर्ता है तभी तमाम जिले के वो जनसुराज पार्टी के सहयोगी सदस्य बन रहे हैं, काफी चिंता का विषय है। तो आरजेडी का बन रहा है तो इसका चिंता आरजेडी को न होगा? भाई हम भाजपाई हैं, ये भाजपा का अर्थ होता है समंदर, और देश भर की सारी नदियां वो आती है समंदर में, तब जाकर समंदर का विराट स्वरूप होता है। भाजपा का बी टीम है बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आरजेडी लेटर निकाल रहे हैं, भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर। अरे तो ये उनके कहने से भाजपा चलती है, उनके कहने से सिर्फ देश चल रहा है क्या? ऐसा नहीं ना है, देश अपने गति से जनता की विचारधाराओं से चलता है, मतदाताओं की विचारधारा से चलता है, इसलिए उनको जो कहना है कहने दीजिए, बाद बाकी जनता अपना काम करेगी। और भाजपा केवल और केवल भाजपा इतना ही जानती है कि 2025 के चुनाव में हम एनडीए के मजबूत, मतलब हम इतना जनता के बीच हम मतलब सेवा देंगे कि जनता स्वतः एनडीए को चुनकर एक मजबूत सरकार बनाए। आखिरी सवाल है गिरिराज सिंह को लेकर के, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल बोले हैं कि बड़ी टिक्की वाले जो इतना बोलते हैं, अगर दम होता तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़के दिखाती, जीरो पे आउट हो जाती। देखिए कभी कभी किसी भावनाओं से कोई मंच से कुछ ऐसा भी गीत कोई गा देते हैं जो सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी आदमी को दिल को इतना चूम जाता है कि वो मिनट भर तक ताली बजाते रह जाता है। तो ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव है कि किन गीतों को वो पसंद करते हैं, तो किन्हीं को ऐसा लगा होगा कि वो ऐसा बोले तो ऐसा करके दिखावे। ये तो पूरा सब जानता है, ये आज का बात नहीं ना है। बिहार जो भी कुछ तरक्की को प्राप्त किया है तो एनडीए के कार्यकाल में तरक्की को प्राप्त किया है, इसलिए बिहार की जनता एनडीए को समर्थन करती है और एनडीए आज इतना मजबूती में है, ये तो सब देन है एनडीए का। कोई कुछ बोल रहे हैं, व्यक्तिगत अपना विचार हो सकता है, बाद बाकी बिहार की जनता एनडीए को समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए को मजबूत बनाकर
बिल्कुल 100% आज जैसे चीनी और दूध का मिश्रण होता है उस तरह का घोल जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एनडीए में अभी हम लोग साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और 2025 का बेहतर चुनाव होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करते हैं मंत्री हरीश सहनी जी ने साफ तौर पे कहा एनडीए के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और भाजपा ने जिस प्रकार से काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और इसी के बलबूते भाजपा को और एनडीए को इतनी सीटें मिली है और जनता हमारे साथ है और 2025 में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। गोपाल मंडल को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि गोपाल मंडल का ये व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत उसका बयान है, जो टिप्पणी करते हैं उस पर हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं और कहते हैं कि बात कर रहे थे आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में बता दीजिए। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।